गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन कर रहे हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, और रासायनिक गुणों में अपन ने सबसे पहले हेलो एल्केन की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, वो स्टार्ट कर रखी है। और अपन ने बताया था जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। पहली एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और दूसरी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2। तो जो SN1 है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज अपन स्टार्ट करते हैं SN2 द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विअणुक के लिए आ गया 2 और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए SNPHR। तो द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहा जाता है SN2 रिएक्शन। अब देखिए, आप यहां पर इसकी तुलना है वो SN1 से करते हुए चलोगे, SN2 की तुलना अपन किससे करते हुए चलेंगे, SN1 से। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट यह एक ही पद में संपन्न होती है। SN2 कितने पद में संपन्न होती है, एक ही पद में, जबकि अपन ने देखा था SN1 है वो कितने पदों में संपन्न हुई थी, दो पदों में, जबकि जो अपने SN2 है वो केवल एक ही पद में संपन्न होती है। अब ये एक ही पद में संपन्न होगी तो वो एक जो पद है वो ही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा। अब एक ही पद है तो वही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा, और उसी में दोनों अभिकारक अणुओं को भाग लेना पड़ेगा। दोनों अभिकारक अणु कौन कौन, हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही। अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को ऐसे ही तो शो करते हैं, RX मतलब हेलो एल्केन प्लस उस पे आक्रमण करता है कौन, नाभिक स्नेही। एक्स है वो एक्स माइनस के रूप में चला जाता है, आर पे आ जाता है, प्लस आर प्लस से जुड़ जाता है NU माइनस। तो हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को इस प्रकार से शो करते हैं अपन। तो अपने पास यहां अभिकारक अणु कितने हैं, दो, हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही। अब देखिए, अपन कह रहे हैं SN2 रिएक्शन है वो केवल एक ही पद में होती है। अब जो एक पद है वो ही क्या होगा, वेग निर्धारक पद होगा। अब जो SN1 थी वो दो पदों में हुई थी, और उसमें जो पहला पद था वो वेग निर्धारक पद था जो धीमी गति से संपन्न हो रहा था, और उस वेग निर्धारक पद में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग ले रहा था, हेलो एल्केन, इसलिए इसका नाम था एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों, क्योंकि उसके वेग निर्धारक पद में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग ले रहा था। अब ये एक ही पद में संपन्न हो रही है, और ये एक पद अब वही क्या है, वेग निर्धारक पद है, तो इसमें दोनों अभिकारक अणुओं को भाग लेना पड़ेगा। अब वेग निर्धारक पद में दो अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं यहां पे, इसलिए इसका नाम है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN2। अतः एकमात्र वेग निर्धारक पद में हेलो एल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों
अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो इसके एकमात्र वेग निर्धारक पद में हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही दोनों अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2 कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट में तो अपन ने ये बता दिया कि इसमें ये एक ही पद में संपन्न होती है और उस एक पद में दोनों अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम होता है द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN2। अब देखिए दूसरे पॉइंट में SN2 में नाभिक स्नेही Nu- हेलो एल्केन RX पर पीछे से आक्रमण करता है। तो देखिए यहां पे अगला पॉइंट क्या है, SN2 में नाभिक स्नेही जो है वो हेलो एल्केन पर पीछे से आक्रमण करता है, बैक साइड से। आपने SN1 में क्या देखा था, पहले वेग निर्धारक पद में कार्बोकेटायन बना था और वो कार्बोकेटायन है उसमें संकीर्ण था sp2, इसलिए उसकी ज्यामिति थी समतल त्रिकोणीय। अब समतलीय ज्यामिति के कारण वहां नाभिक स्नेही है वो दोनों ओर से बराबर बराबर आक्रमण कर रहा था, 50% राइट साइड से और 50% लेफ्ट साइड से, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ से बराबर बराबर मात्रा में आक्रमण कर रहा था। तो SN1 में नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से होता है, आगे से भी और पीछे से भी, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। तो यहां पे SN2 में क्या है, SN2 में नाभिक स्नेही है उसका हेलो एल्केन पर आक्रमण है वो पीछे से होता है, तो ये भी दोनों में अंतर है वो ध्यान रखना। अब देखिए अब अपन इसका जो एकमात्र पद है उसको देखते हैं किस प्रकार होता है ये। अब ध्यान रहे यहां नाभिक स्नेही का आक्रमण पीछे से होता है। अब देखिए ये पद है वो किस प्रकार से संपन्न होता है, RX ये हो गया, हेलो एल्केन और इस पे पीछे से आक्रमण करता है कौन, नाभिक स्नेही, ठीक है। अब यहां हेलो एल्केन में क्या होगा, यहां कार्बन और हेलोजन के बीच जो बंध है उसमें हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए इस बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले जाएगा, हेलोजन, तो एक्स पे माइनस आर पे प्लस, एक्स पे माइनस आर पे प्लस। अब इस आर प्लस पे आक्रमण कर देगा कौन, नाभिक स्नेही, आर प्लस पे कौन आक्रमण कर देगा, नाभिक स्नेही। तो यहां नाभिक स्नेही किधर से आक्रमण कर रहा है, पीछे से। अब देखिए SN2 में क्या होता है, जब हेलो एल्केन पर नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है तो यहां बीच में एक अवस्था प्राप्त होती है, यहां बीच में एक अवस्था प्राप्त होती है जिसको कहते हैं संक्रमण अवस्था। तो यहां मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। आपने SN1 में देखा था
मध्यवर्ती के रूप में क्या बना था? कार्बोकेटायन, पहले वेग निर्धारक पद में। जबकि यहां मध्यवर्ती के रूप में क्या बनती है? संक्रमण अवस्था बनती है। अब इस संक्रमण अवस्था की देखो क्या खासियत होती है। यह संक्रमण अवस्था इस प्रकार बनती है। इस संक्रमण अवस्था में क्या होगा, यहां से ये जो हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है ये यहां पे पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा। हैलोजन है वो कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा, और यहां नाभिक्स नहीं है वो आक्रमण कर रहा है किस पे, R प्लस पे। तो नाभिक्स नहीं है वो इस संक्रमण अवस्था में पूर्ण रूप से जुड़ेगा नहीं। तो इस संक्रमण अवस्था की खासियत क्या होगी, यहां पे हैलोजन है वो कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से अलग नहीं होगा, और नाभिक्स नहीं है वो कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से जुड़ा भी नहीं होगा। तो देखिए संक्रमण अवस्था इस प्रकार से बनेगी, Nu इस पे आवेश क्या था माइनस, तो इस पे कर देंगे आंशिक माइनस। अब ये R के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ेगा तो इसको डॉट डॉट से शो कर देंगे, डैश डैश। अब ये डैश डैश से शो किया मतलब ये टूटा हुआ बंध है, यानी पूर्ण बंध नहीं है, यानी नाभिक्स नहीं है वो कार्बन श्रृंखला से पूर्ण रूप से नहीं जुड़ा है। फिर आ जाएगा R, R पे है पॉजिटिव, तो ये आ गया आंशिक पॉजिटिव। हैलोजन है वो पूर्ण रूप से अलग नहीं हुआ है तो इसको भी छूटे हुए बंद से शो कर दो, और हैलोजन भी किसके रूप में जा रहा है, माइनस के रूप में। तो ये यहां पे प्राप्त होती है क्या, संक्रमण अवस्था। तो इस संक्रमण अवस्था की क्या खासियत है, हैलोजन पूर्ण रूप से अलग नहीं होता है और नाभिक्स नहीं पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता। अब ये जो संक्रमण अवस्था है, इस संक्रमण अवस्था की ऊर्जा है वो अधिकतम होती है, यानी संक्रमण अवस्था है वो अधिकतम ऊर्जा पर प्राप्त होती है। और अपन को पता है ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व के। ये कनेक्शन होता है कि ऊर्जा है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्थायित्व के। यानी ऊर्जा जहां पर अधिक होगी वहां स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो संक्रमण अवस्था की ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। ऊर्जा अधिकतम है तो स्थायित्व क्या होगा, निम्नतम। तो स्थायित्व होगा निम्नतम। अब ऊर्जा अधिकतम होने के कारण इसका स्थायित्व निम्नतम होता है, यानी संक्रमण अवस्था है वो अस्थायी होती है। यहां बनने वाली संक्रमण अवस्था क्या होती है, अस्थायी। अब ये अस्थायी है तो ये तुरंत है वो टूटेगी। तो देखिए ये जो अस्थायी संक्रमण अवस्था है ये तुरंत है वो बदल जाएगी किसमें, उत्पाद में। यानी तुरंत क्या होगा, ये जो हैलोजन है ये पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा एक्स माइनस के रूप में, और ये जो नाभिक्स नहीं है ये पूर्ण रूप से जुड़ जाएगा इसके साथ, आर के साथ। अब नाभिक्स नहीं को आर के साथ पूर्ण रूप से जोड़ दो, एन यू आर। तो यहां नाभिक्स नहीं ने पीछे से आक्रमण किया था ना, इसलिए Nu को R के पीछे की तरफ जोड़ा है। तो ये आपका बन गया उत्पाद R Nu। अपन को पता है नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन में उत्पाद यही बनता है R Nu, और ये जो X है वो माइनस के रूप में पूर्ण रूप से अलग हो जाएगा, ये X माइनस। तो यहां उत्पाद के रूप में अपने पास यही प्राप्त होते हैं आर एन यू प्लस एक्स माइनस। तो ये एस एन टू का एकमात्र पद होता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक्स माइनस है उसको प्रतिस्थापित कर दिया एन यू माइनस ने,
यहां पहले R के साथ क्या जुड़ा था, X, उत्पाद में R के साथ क्या जुड़ा है, Nu, यानी X माइनस को प्रतिस्थापित कर दिया किसने, Nu माइनस ने, यानी एक नाभिक स्नेही को दूसरे नाभिक स्नेही ने क्या कर दिया, प्रतिस्थापित। तो ये हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक है, अब देखिए, अब अपन SN2 के लिए लिखेंगे अभिक्रिया वेग समीकरण। और अपन ने अभिक्रिया वेग समीकरण के लिए बताया था कि जो अभिक्रिया वेग है वो समानुपाती होता है वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अब देखिए, यहां वेग निर्धारक पद में दोनों अभिकारक अणु भाग ले रहे हैं, हेलोएल्केन भी भाग ले रहा है और नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है। तो SN2 में अभिक्रिया वेग है वो हेलोएल्केन की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसकी अभिक्रिया वेग समीकरण में हेलोएल्केन भी आएगा और नाभिक स्नेही भी आएगा। आपने SN1 में देखा था वेग निर्धारक पद में केवल कौन भाग ले रहा था, हेलोएल्केन ही भाग ले रहा था, नाभिक स्नेही भाग नहीं ले रहा था। इसलिए SN1 की जो अभिक्रिया वेग समीकरण थी उसमें केवल कौन आ रहा था, हेलोएल्केन, उसका अभिक्रिया वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा था। जबकि यहां पे एक ही पद होता है और उस एकमात्र वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों भाग ले रहे, इसलिए SN2 की अभिक्रिया वेग समीकरण है उसमें दोनों आएंगे, हेलोएल्केन भी और नाभिक स्नेही भी, यानी इसका अभिक्रिया वेग हेलोएल्केन और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो देखिए, SN2 की अभिक्रिया वेग समीकरण तो गुलबर्ग और बागे के द्रव्यनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो अभिक्रिया वेग है वो समानुपाती होता है वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के। तो यहां वेग निर्धारक पद में हेलोएल्केन भी भाग ले रहा है और नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है, तो अभिक्रिया वेग है वो समानुपाती हो जाएगा हेलोएल्केन की सांद्रता गुणा नाभिक स्नेही की सांद्रता। अभिक्रिया वेग समीकरण या इसको आप कह सकते हो वेग व्यंजक। अब यहां समानुपाती का निशान हटाएंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा के, के है अभिक्रिया वेग स्थिरांक। तो ये SN2 की क्या है, अभिक्रिया वेग समीकरण है। अभिक्रिया वेग बराबर के RX की सांद्रता गुणा NU माइनस की सांद्रता। जबकि आपने देखा था SN1 की अभिक्रिया वेग समीकरण क्या थी, अभिक्रिया वेग बराबर के RX की सांद्रता। ये SN1 की अभिक्रिया वेग समीकरण थी, यानी वहां पर अभिक्रिया वेग केवल हेलोएल्केन की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था। क्यों, क्योंकि उसके वेग निर्धारक पद में केवल कौन भाग ले रहा था, हेलोएल्केन। तो ये SN2 की अभिक्रिया वेग समीकरण और ये SN1 की अभिक्रिया वेग, तो ये भी दोनों में क्या है, अंतर है। अब देखिए, SN1 में क्या हुआ था,
उसके वेग निर्धारक पद में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग ले रहा था, हेलो एल्केन। इसलिए SN1 है, उसकी कोटि कितनी थी? एक। SN1 की कोटि कितनी थी? एक। अपने कहा था SN1 है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि उसके वेग निर्धारक पद में अभिकारक का केवल एक ही अणु भाग लेता है और वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। इसलिए SN1 की कोटि कितनी थी? एक। अब अपन देखते हैं SN2 की कोटि। तो SN2 का जो वेग निर्धारक पद है उसमें अभिकारक के दो अणु भाग लेता है, हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही। इसलिए इसकी कोटि कितनी होगी? दो। तो देखिए SN2 के वेग निर्धारक पद में हेलो एल्केन तथा नाभिक स्नेही दोनों अभिकारक अणु भाग लेते हैं, इसलिए SN2 की कोटि दो होती है। अतः SN2A द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। तो SN2 है उसकी कोटि कितनी होती है? दो होती है, जबकि SN1 की कोटि कितनी थी? केवल एक थी। तो ये भी आपको इनमें अंतर है वो ध्यान रखना। अब देखिए अपन ने बताया था SN1 है उसमें मध्यवर्ती के रूप में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। जबकि यहां पे SN2 में अपन ने देखा मध्यवर्ती के रूप में बनती है संक्रमण अवस्था, और वो संक्रमण अवस्था है वो अधिकतम ऊर्जा पे बनती है, इसलिए उसका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है, और कम स्थायित्व के कारण वह तुरंत किस्म बदल जाती है? उत्पाद में बदल जाती है। तो ये मध्यवर्ती वाला भी पॉइंट है वो दोनों में ध्यान रखना है। SN1 में मध्यवर्ती बनता है कार्बोकेटायन, जबकि SN2 है उसमें मध्यवर्ती बनता है क्या? संक्रमण अवस्था। अब देखिए एक अंतर आपको यह भी ध्यान रखना है कि SN1 है उसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से होता है, क्योंकि वहां पे समतलीय कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन की समतलीय ज्यामिति के कारण वहां पे नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से हुआ था। जबकि यहां पे SN2 में आपने देखा नाभिक स्नेही का आक्रमण किधर से होता है? पीछे से होता है। अब देखिए SN1 में आपने देखा कि समतलीय कार्बोकेटायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से हुआ था, इसलिए वहां प्रकाशिक यौगिक की कौन सी घटना हुई थी? रेसमीकरण। अब दोनों तरफ से आक्रमण हुआ था 50% दाई तरफ से 50% बाई तरफ से, इसलिए
यदि वहां पे कोई प्रकाशीय यौगिक लिया जाए तो 50% बनता है डी समावयवी और 50% बनता है एल समावयवी, और ऐसा मिश्रण जिसमें 50% डी हो 50% एल समावयवी हो वो कहलाता है रसायनिक मिश्रण, इसलिए वहां उस घटना को कहा था रसायनीकरण। तो SN1 में प्रकाशीय यौगिक की कौन सी घटना हुई थी? रसायनीकरण। SN2 है उसमें नाभिक स्नेही का आक्रमण अपन ने बताया SN2 में केवल कहां से होता है? पीछे से। तो SN2 में नाभिक स्नेही का आक्रमण है वो हेलोएल्केन पर किधर से होता है? पीछे से होता है। इसलिए यहां पर प्रकाशिक यौगिक की कौन सी घटना पाई जाती है? वाल्डेन प्रतिलोमन या वाल्डेन प्रतिपन। अब देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से देखना। SN2 में नाभिक स्नेही यानी Nu- का हेलोएल्केन पर आक्रमण पीछे से होता है, इसलिए उत्पाद का विन्यास हेलोएल्केन से विपरीत प्राप्त होता है। अब देखिए यदि हेलोएल्केन के रूप में कोई प्रकाशिक यौगिक लिया जाए तो डी समावयवी से यदि अपन प्रकाशिक यौगिक का कौन सा समावयवी लेंगे? डी समावयवी लेंगे, तो डी समावयवी से उत्पाद के रूप में एल समावयवी प्राप्त होता है, जबकि एल समावयवी लेने पर उत्पाद के रूप में डी समावयवी प्राप्त होता है, अर्थात SN2 में उत्पाद का विन्यास एकदम से, अर्थात SN2 में उत्पाद का विन्यास एकदम से पलट जाता है, यानी हेलोएल्केन के रूप में डी समावयवी लेंगे तो उत्पाद प्राप्त होगा एल समावयवी, और हेलोएल्केन के रूप में एल समावयवी लेंगे तो उत्पाद प्राप्त होगा डी समावयवी, यानी विन्यास है वो एकदम से पलट जाएगा, और विन्यास पलटने को कहते हैं प्रतिलोमन या प्रतिपन। विन्यास पलटने को क्या कहते हैं? प्रतिलोमन या प्रतिपन। इसलिए यहां पर प्रकाशिक यौगिक का विन्यास एकदम से पलटना ये कहलाता है वाल्डेन प्रतिलोमन या वाल्डेन प्रतिपन।
जिसे वार्डेन प्रतिलोभन या प्रतिपल कहा जाता है। तो SL2 में प्रकाशिक यौगिकों की कौन सी घटना पाई जाती है? वार्डेन प्रतिलोमन या वार्डेन प्रतिपल। कारण है, यहां नाभिक स्नेहिका हेलोएल्केन पर पीछे से आक्रमण होता है, इसलिए उत्पाद का विन्यास है वो हेलोएल्केन से क्या विपरीत प्राप्त होता है। तो यहां पे यदि अपन हेलोएल्केन के रूप में कोई प्रकाशिक यौगिक ले लें जिसमें क्या हो, किरेल कार्बन हो, तो यदि अपन हेलोएल्केन के रूप में डी समावी लेंगे तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा एल समावी, और यदि अपन हेलोएल्केन के रूप में एल समावी लेंगे तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा डी समावी। अपन को पता है डी और एल का विन्यास क्या होता है, अलग अलग होता है। डी में डी है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाई ओर घुमाता है, एल समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाई ओर घुमाता है, यानी डी में कोई समूह दाई ओर लगा होता है और वो समूह एल में लगा होता है बाई ओर, यानी डी और एल का विन्यास एकदम से विपरीत होता है। तो यहां पर विन्यास एकदम से पलट जाता है नाभिक स्नेही के पीछे से आक्रमण होने के कारण, इसलिए इसको कहते हैं वार्डेन प्रतिलोमन या वार्डेन प्रतिपल। अब देखो वार्डेन प्रतिलोमन को अपन समीकरण के द्वारा शो करेंगे। अपन ने SN2 को इस प्रकार से शो किया था, Nu माइनस प्लस Rx, यहां से x इलेक्ट्रॉन लेके चला गया था, R पे आ गया था प्लस, तो Nu माइनस ने पीछे से आक्रमण कर दिया था किस पे, R प्लस पे। तो Nu Rx ये प्राप्त हुई थी संक्रमण अवस्था, जो तुरंत है वो बदल गई थी उत्पाद में, RNU प्लस X माइनस। इस प्रकार से अपन ने SN2 को शो किया था। अब यहां पे देखिए RX में X है वो जुड़ा है राइट साइड में, अब पीछे से आक्रमण हुआ तो यहां नाभिक स्नेही R के साथ जुड़ गया लेफ्ट साइड में, यानी अभिकारक और उत्पाद है उसका विन्यास एकदम से विपरीत है। अब देखिए ये अपन ने किरेल कार्बन वाला क्या ले लिया, हेलोएल्केन CH3 CHBr CH2 CH3, ये क्या है 2-bromobutane, क्या है ये 2-bromobutane, और जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है इस कार्बन की देखो चारों संयोजकता क्या है, अलग अलग है, एक संयोजकता Br से, एक H से, एक CH3 से और एक CH2 CH3 से, तो इस कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग है, तो ये कार्बन क्या हुआ, किरेल कार्बन हुआ। तो 2-bromobutane है वो एक क्या है, प्रकाशिक यौगिक है। अब इसमें आप देख सकते हो जो Br है वो किधर जुड़ा है, राइट साइड में, Br किधर जुड़ा है राइट साइड में, तो ये मान लीजिए क्या है डी समावी, क्या है डी समावी यही। अब यहां पे Br है वो जाएगा माइनस के रूप में तो सी पे क्या आ जाएगा प्लस। अब मान लीजिए यहां पे नाभिक स्नेही है OH माइनस, यहां पे नाभिक स्नेही क्या है OH माइनस है, तो ये यहां पे किधर से आक्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा, तो ये OH माइनस है वो जुड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो ये अपन को उत्पाद प्राप्त हुआ, यहां पे OH है वो नाभिक से जुड़ा है लेफ्ट साइड में, तो डी समावी है तो उत्पाद के रूप में अपन को प्राप्त हुआ एल समावी।
तो यहां पे यदि अपन प्रकाशिक यौगिक का डी समावी लेते हैं तब तो एल समावी प्राप्त होगा, और एल समावी लेंगे तो डी समावी प्राप्त होगा, यानी विन्यास है वो एकदम से पलट जाता है। इसी घटना को कहा जाता है वाल्डेन प्रतिरोपण या वाल्डेन प्रतिपल। तो ये भी एक SN1 और SN2 में एक अंतर है कि SN1 में नाभिस्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से होता है, इसलिए वहां प्रकाशिक यौगिक की रसमीकरण घटना पाई जाती है, जबकि SN2 में नाभिस्नेही का हेलोएल्केन पर पीछे से आक्रमण होता है, इसलिए SN2 में प्रकाशिक यौगिक की वाल्डेन प्रतिलोमन घटना पाई जाती है। तो ये इनमें अंतर है वो ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएंगे। SN1 और SN2 में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। SN2 में बाकी जो रह गया है SN2 के लिए विभिन्न एलोएल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम, ये अपन स्टार्ट करेंगे कल। धन्यवाद।